नोटबंदी के 9 दिन बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली है। आज भी बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं सरकार ने किसानों को राहत देते हुए नया ऐलान किया है, जिसके मुताबिक किसान अब हर हफ्ते खाद, बिजली और पानी के लिए 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। इसके साथ ही वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि किसान अपने अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से भी पैसा निकाल सकते हैं, जबकि जिनके घरों में शादी है वे अब 2.5 लाख रुपए निकाल सकेंगे। नोटबंदी के बाद किसानों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने जो दूसरा फैसला लिया है उसमें आम आदमी को परेशानी हो सकती है। अब 18 नवंबर से पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने की सीमा 4,500 से घटकर 2,000 रुपए कर दी गई है। नोटबंदी के बाद लोगों का जीवन थम सा गया है और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब से नोटबंदी का ऐलान हुआ है लोगों में खासी परेशानी देखी जा रही है और इसी को देखते हुए थोड़े थोड़े राहत भरे फैसले भी आ रहे हैं, लेकिन इन राहत भरे फैसलों का लोगों को कुछ खास फायदा नहीं मिलता दिख रहा है।